प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर देश में एकता का मंदिर है और विभिन्न धर्मों के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि जब भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, कच्ची बस्तियों से लेकर कस्बों तक का समुचित विकास हुआ है। इसके साथ ही गहलोत ने आगामी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को जीतने की अपील भी की। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो की सेवाएं आंशिक रूप से बाधित होंगी। राजपथ के आसपास के 4 स्टेशन सुबह के समय बंद रहेंगे। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पूर्व ग्राम प्रधान का शव बरामद किया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के मुकुंद रमई गांव में रविवार रात पूर्व प्रधान जगेश्वर मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्नाटक के बेलगावी में रविवार को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला पुलिस उप निरीक्षक समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मार्च में जबरदस्त गिरावट के बाद बाजार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कई कारण हैं। दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक वित्त प्रणाली में काफी अधिक नकदी डाली है। विश्लेषकों ने कहा कि अब सभी की निगाहें वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हैं। माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन को संकष्टि चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को रखा जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन रविवार को अलीबाग के आलीशान रिजॉर्ट द मेंशन हाउस में निजी समारोह में फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म इंडिया लॉकडाउन की शूटिंग शुरू कर दी है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने अपने छठे और आखिरी मैच में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चिली की सीनियर टीम को 2-1 से हराया और इस तरह से अजय रहते हुए अपने दौर का अंत किया।